कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, उनको ट्वेल्थ में अच्छा खासा स्कोर करना होता है, कई सारे ने क्लास लगाए होते हैं, बहुत सारे क्लासेस वगैरह, बहुत सारे डोनेशन देके रखा होता है, बहुत सारी फीस उन्होंने पूरे साल में की होती है। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको नमस्कार फ्री में दोस्तों, ला रहा स्वागत हूँ। है आप सभी का आपके पैरिस यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। सो गाइस, आप सभी देख सकते हो क्लास ट्वेल्थ का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स का थर्ड वाला चैप्टर देख रहे हैं। एमपी क्वेश्चन सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है। आप सभी को पता है क्लास ट्वेल्थ के पीसीएमबी के सभी चैप्टर्स के हम एमपी एमपी क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, थर्ड वाला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ट्वेल्थ फिजिक्स मोस्ट एमपी क्वेश्चन सीरीज। ओके, इससे पहले दो चैप्टर हो चुके, अगर उन्हें देखे रोटेशनल डायनेमिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ओके, उनको देखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, आपको यूनिट टेस्ट फर्स्ट के लिए, यूनिट टेस्ट सेकंड के लिए, साथ ही साथ आपकी फर्स्ट टर्म एंड बोर्ड एग्जाम के लिए, प्रीलिमिनरी के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। सो पूरा देख लेना, पूरा रट के रखना, याद करना, बोर्ड एग्जाम में सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। चलिए अभी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो पे अगर नए हो एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। देखो भाई, चैप्टर थ्री काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, चैप्टर का नाम है क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स एसजीएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बाय मास्टर वैभव एमसीक्यू। चैनल को तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, फर्स्ट वाला इस चैप्टर का पार्ट आता है। अगर एमपी क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू सबसे पहले पूछे जाते हैं। कितने मार्क के लिए रहते हैं, 10 या 8, कमेंट सेक्शन में बताओ। एमसीक्यू 10 मार्क के लिए रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, या 8 मार्क के लिए। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट वाला, इन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेस, तो 4 ऑप्शन है आप सभी को। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ओनली काइनेटिक एनर्जी इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। बाकी के 3 ऑप्शन को छोड़ दो, फिर भी मैं रीड कर दो, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, जो आप बोलोगे रीड नहीं किया इसलिए मैं रीड कर दो। बी नंबर वाला ऑप्शन है बहुत काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सी नंबर वाला है ओनली पोटेंशियल एनर्जी, एंड डी नंबर वाला है नेदर काइनेटिक एनर्जी और नॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट है जो कि है ओनली काइनेटिक एनर्जी। सेकंड वाला रीड करते हैं, इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वैल्यूम विल, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, ए में आपको डिक्रीजेस बाय 9%, बी में इंक्रीज बाय 9%, सी में डिक्रीज बाय 10%, एंड डी में इंक्रीज बाय 11.11%। तो दिस इज डी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज बाय 11.11%। थर्ड नंबर वाला एमसीक्यू का क्वेश्चन है जो कि है, इफ ए इज इक्वल टू 0.72 एंड आर इज इक्वल टू 0.24 देन द वैल्यू ऑफ टी इज डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, ए में आपको 0.02, बी में आपको 0.04, सी में आपको 0.4, एंड डी में आपको 0.2। तो बी नंबर वाला जो कि करेक्ट ऑप्शन है 0.04। फोर्थ नंबर वाला एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर ऑफ वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट 1327 डिग्री सेल्सियस एंड 527 डिग्री सेल्सियस इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए में आपको 4:1 है, एंड बी में आपको 16:1 है। तो 16:1 बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर में 2:1 है, एंड डी नंबर में 8:1 है। बी नंबर वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पर यूट्यूब चैनल मास्टर वाइब्रेरी फिर सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो 8208819562। यहाँ पर देखो कि आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ देना, कमेंट करना तभी आपको आंसर मिलेगा, कोई भी व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करते हो तो, बाकी नहीं मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला एमसीक्यू का 5th नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, टी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ टी। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ टी या तो स्क्वायर रूट टी जो भी है इसका करेक्ट ऑप्शन है, एंड बी नंबर वाला और सी नंबर वाला, डी नंबर वाला भी ऑप्शन रीड करते हो। बी नंबर वाला है 1 बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट टी। ओके, उसके बाद सी नंबर वाला है टी, एंड डी नंबर वाला है 1 बाय टी। तो यहाँ पर इसका 1st नंबर वाला स्क्वायर रूट टी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद गई 6th नंबर वाला है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी इज। तो गई यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है जिसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी नंबर वाला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एंड सी नंबर वाला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टी, एंड डी नंबर वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 7। ओके, 7 नंबर वाला है कलर ऑफ शाइनिंग ब्राइट स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो 4 ऑप्शन है, ए में आपको डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है, बी में आपको साइज है, सी में आपको टेम्परेचर है, एंड डी में आपको मास है। तो सी नंबर वाला करेक्ट ऑप्शन है जो कि है टेम्परेचर। आगे वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन जो है वैसे के क्वेश्चन है। ओके, सभी के सभी वैसे के क्वेश्चन जो भी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि है, व्हाट विल हैपन टू द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। यहाँ पर भी गाइस इसका आंसर है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस देन मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, उसके बाद गाइस अगला वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ, हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जस्टिफाई द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हेन हीटेड। तो यहाँ पर इसका आंसर है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बींग प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस
द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर भी हमको मिल गया। अगला वाला क्वेश्चन है, टू डिफरेंट प्योर गैसेज हैव द सेम टेम्परेचर, डू दियर मॉलिक्यूल्स हैव द सेम आरएमएस स्पीड्स। ओके, इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसका मतलब हमने इस पीडीएफ में मोस्टली आंसर्स इंक्लूड करने की कोशिश की है, बट जितने भी आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो। इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो ओनली एट 11 रुपीज़ में, इस थर्ड वाला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। एंड अगर आपको पूरा आपका फिजिक्स का परचेस करना हो, पूरा क्वेश्चन सेट सभी जो भी 15 या 16 चैप्टर से सभी के आईएमपी क्वेश्चंस विद आंसर्स, तो आपको 149 रुपीज़ में मिलेगा। एंड अगर आपको पूरा डायरेक्टली चाहिए पीसीएम या तो पीसीबी का, तो आपको 499 में मिलेगा। पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल सकती है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो व्हाट्सएप पे तभी कांटेक्ट करना अगर आपको उस पीडीएफ को परचेस करने से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी हो। ओके, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मत करना, कमेंट सेक्शन में आप आपका डाउट पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन रीड करता हूँ। स्टेट अगला वाला क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नॉन रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसका आंसर है सॉफ्ट और नॉन रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना 2025 के बोर्ड एग्जाम में, 2026 2027 के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो याद रखना इसका क्वेश्चन, वंस अगेन मैं रीड करता हूँ। इसका आंसर सॉफ्ट और नॉन रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, डेफिनेशंस के पार्ट के ऊपर क्वेश्चन है, डेफिनेशन से एमपीआईपी डेफिनेशन से। तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन पूछी गई है, तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन रीड करता हूँ। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, द एवरेज बींग टेकन ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री पाथ और कोलिजन्स इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। अगली वाली डेफिनेशन पूछी गई है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की। आंसर रीड करता हूँ, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज स्क्वेयर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। थर्ड नंबर वाला है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मोलर, इसका आंसर रीड करता हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द क्वान्टिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1K यानी कि 1000 होता है या 1K पता नहीं यार क्या होता है, व्हेन इट्स वॉल्यूम इट्स केप्ट कांस्टेंट। अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मोलर हीट कैपेसिटी और गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1K व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसकी डेफिनेशन हमें एब्जॉर्प्टेंस की डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी है। द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्टेंस और ऑब्जर्वटिव पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द बॉडी टू द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन इट सेम टाइम। ओके, अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस, इसका डिफाइन करना है। आंसर है, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेंस और द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस टू द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सर्फेस इन द सेम टाइम। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, अगले वाले डेफिनेशन लिखनी है, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस, इसकी डेफिनेशन लिख दिया है। द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेंस ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी टू द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम रेशियो। अगला वाला क्वेश्चन, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय the body per unit time per unit surface area of a body of that temperature. अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करते हैं, आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। देखो अगर ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन क्लास 12th फिजिक्स का, एंड ये जो वीडियो हमने देखी या तो अभी चालू ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, लगभग आधे घंटे की तो होगी ऐसा लग रहा है मेरे को। तो पूरी इस वीडियो में जो भी पीडीएफ देखा, जो भी क्वेश्चन आंसर देखे, तो इसका पीडीएफ ओनली एट ₹11 में आप परचेस कर सकते हो। बाकी आपको पेड मिलेगा, बाकी मतलब बाकी का जो भी पूरा लेना हो तो पूरा आपको 149 में, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अगले वाले क्वेश्चन आते हैं लॉज एंड थ्योरी के ऊपर। आई थिंक ये 3 ही क्वेश्चन है लॉज एंड थ्योरी के ऊपर, टोटल 4 क्वेश्चन है लॉज एंड थ्योरी के ऊपर, एंड सभी के आंसर हमने यहाँ पर मेंशन किए। बट देखो यहाँ पर जो भी आंसर्स है कुछ यानी कि लॉज एंड थ्योरी में सभी आंसर्स हमने शॉर्टकट एकदम सिंपल तरीके से, यानी कि यहाँ पर देखो इसको लिखोगे तो एक मार्क भी नहीं मिलेगा तुमको लॉज एंड थ्योरी में। ओके, तो यहाँ पर देखो
तीन मार्क है, देखो यहाँ पर तीन मार्क है एंड देखो कितना लिखा है, आधा मार्क का भी नहीं लिखा। तो याद रखना यहाँ पर ना जो भी क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर थ्योरी के बात करो तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे मेंशन किए हैं, ठीक है। नहीं बाकी बाकी है, जब आप पीडीएफ करते हो परचेस करते हो इसको, जब आप पेड पे मतलब इसको पेड मत इसको पैसा पेड करके नहीं, पेड पीडीएफ को जब आप परचेस करते हो तो आपको एक्सटर्नली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको आंसर्स पूरे के पूरे मिलेंगे, तीन तीन मार्क के आंसर्स आपको सफिशेंट आंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन वन, स्टेट द लॉ इक्विपार्शियन ऑफ एनर्जी। तो लॉ बताना है गाइस सबसे पहले, तो लॉ है आंसर देखते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, द एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन इज के टी स्क्वेयर वियर के ई इज द बोल्ट्समैन कांस्टेंट। ओके क्वेश्चन टू रीड करते हैं, स्टेट द स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट एंड लॉ हीट रेडिएशन। तीन मार्क का क्वेश्चन है एंड इसका हमने आधे मार्क का भी आंसर नहीं लिखा क्योंकि हमको पता है यार किस तरीके से ऑडियंस को इंटरेक्ट करना है। आंसर है किरचॉफ्स लॉ ऑफ नियर रेडिएशन एट अ गिवन टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर टू द कोएफिशिएंट ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर फॉर ऑल वेवलेंथ्स। क्वेश्चन थर्ड है, स्टेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो आंसर है, वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर अ ब्लैक बॉडी एट अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टी एंड द वेवलेंथ लैम्डा एम करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमा रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ओके लॉज एंड थ्योरी का क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं लॉज एंड थ्योरी के क्वेश्चन के ऊपर, जो भी क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मार्क एंड ये September 2024 में शायद से पूछा गया एंड एक्सप्लेन द स्टीफन बोल्टमैन्स लॉ। ओके तो यहाँ पर इसका आंसर है द स्टीफन बोल्टमैन लॉ, द रेट ऑफ इमिसिव ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर और द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके अगला वाला क्वेश्चन रीड करते हैं, जो कि अगला वाला क्वेश्चन जो है ना वो बेसिक मतलब पूरी तरीके से बेसिक एक्सप्लेनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके क्वेश्चन रीड करता हूँ, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हाउ द प्रेशर ऑफ अ गैस चेंजेस इफ इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके आंसर रीड करता हूँ, देखो यहाँ पर जो है ना एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्टली आंसर आपको मेंशन करवाए क्योंकि हमको पता है अगर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा आप हमसे ना ही कॉन्टैक्ट करोगे, ना ही हमसे कनेक्ट होगे, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ना ही आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अगर सब कुछ फ्री में मिलेगा तो क्या करोगे भाई। नहीं नहीं बहुत कुछ मिल रहा है, इसको स्टडी करो, बहुत सारे एम्बिगुएशन से बाकी के तो चैप्टर्स हो गए एंड हमने शायद से आपको सॉलिड स्टेट वगैरह से भी चैप्टर्स मतलब केमिस्ट्री का भी कौन साइमल्टेनियसली चालू है, बायो का भी चालू है एंड ये फिजिक्स का तो आपको मिल रहा है लेकिन फिजिक्स इन दो सब्जेक्ट से थोड़ा आगे रखा है हमने ताकि स्टूडेंट्स को फिजिक्स हार्ड लगता है कि नहीं। तो आंसर रीड करता हूँ, द स्टीफन शायद से इसका आंसर हमने देख लिया ना, ठीक है नहीं देख लिया नहीं, ओके देख लिया इसका आंसर तो हमने देख लिया। अगला वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फर्स्ट एन एटम एंड सेकंड डायटमिक मॉलिक्यूल। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है सबसे पहले जो कि है एन एटम के लिए एंड सेकंड वाला है डायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर आगे रीड करते हैं गाइस, आगे है डेरिवेशंस। देखो गाइस डेरिवेशंस एंड जो भी न्यूमेरिकल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं लेकिन आपको देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं एंड जब आप बोर्ड में जाओ तो आपका अच्छा रिजल्ट ना आए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जब आप डेरिवेशंस करोगे न्यूमेरिकल्स करोगे जिस चीज़ की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा। लगभग शायद हमने आपको 10 डेरिवेशंस एंड 20-30 न्यूमेरिकल्स सॉल्व एग्जांपल वगैरह देने की कोशिश की है ताकि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो एंड आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। हमने देखा है स्टूडेंट्स का हमने रिव्यू लिया है कि उनको बहुत हार्ड लगते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह डेरिवेशंस वगैरह थ्योरेटिकली, तो किसी को भी मार्क मिलते हैं थ्योरेटिकली, क्या रट्टा मारना ही होता है ना, अगर एक दिन पहले हम पढ़ ले रट्टा कर ले तो भी हम इसको अच्छी तरीके से थ्योरी में मार्क्स ला सकते हैं बट न्यूमेरिकल्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, दिमाग का पूरी तरीके से यूज करना पड़ता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमने आपको डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स भी इसमें ऐड करवा के दिए। चलिए हमें न्यूमेरिकल्स को सॉरी डेरिवेशंस को पहले देखते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स और सॉल्व एग्जांपल्स। क्वेश्चन वन है गाइस, अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस प्रूव दैट, फर्स्ट वाला है द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/2 स्क्वेयर रूट या तो 3/2 RT। ओके उसके बाद सेकंड वाला है द RMS स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल वी RMS इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3 RT बाय m0 या तो m0 इसे बोल सकते हो। क्वेश्चन टू है, प्रूव दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2 KBT और गिव द इंटर
रोटेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, क्वेश्चन थर्ड वाला रीड करते हैं। डिराइव मेयर्स रिलेशन बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शो दैट फॉर एन आइडियल गैस द डिफरेंस बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर गैस कॉन्स्टेंट आर। ओके, अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। स्टेट द लॉ ऑफ इक्वी पार्टिशियल ऑफ एनर्जी एंड हेंस कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एंड डायटोमिक गैसेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। याद रखना जो भी बता रहा हूँ, सबसे पहले ये जो है ना क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी डेरिवेशन के बेसिस पर डेफिनेशन का देखो, यहाँ पर स्टेट बोला गया सबसे पहले, यानी कि इक्वी पार्टिशन का, जो कि पिछले में ही देखा, इससे दस अगर थोड़ा पीछे लोगे वीडियो को तो आपको पता चाहिएगा इसकी डेफिनेशन हमने अभी अभी देखे तो डेफिनेशन को आपको पता चलेगी, बट आगे का क्वेश्चन वो भी आपको शायद से देखोगे वीडियो को ध्यान से तो इसमें ही सभी का क्वेश्चन का हमने आंसर थोड़ा सा मतलब हिंट आपको मिल जाए ना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, जो कि है डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन कूलर सराउंडिंग्स, दो मार्क के लिए है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन जो कि है एक्सपेरिमेंट्स एंड डायग्राम्स के ऊपर, एक्सपेरिमेंट्स एंड डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ फ्री ब्लैक बॉडी। फिर इस ब्लैक बॉडी की डायग्राम आपको देखनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर है कॉनिकल प्रोजेक्शन वगैरह एंड फ्री की डायग्राम की, इस तरीके से ये बॉडी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन जो कि है सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स ऊपर। जैसे कि मैंने बोला पिछली अभी जस्ट हमने दो मिनट पहले देखा कि जिन भी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स वगैरह हार्ड लगते हैं ना, उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जो चीज़ आपको हार्ड लगती है ना आप उसे छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ हार्ड है उसे ईजी बनाओ, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि वो हमें बहुत ज़्यादा आसान लगनी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर सिक्स नंबर वाला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ ऑक्सीजन एट 300 kg इज 1.169 × 10^5 g। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg ऑफ ऑक्सीजन एट 500 kg। उसके बाद सेवंथ नंबर वाला सॉल्व एग्जांपल का प्रॉब्लम है, जो कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द गैस प्रेशर इज 0.105 N/m². उसके बाद एट नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल्स का है, अ बॉडी सरफेस एरिया 100 cm² रेडिएट्स एनर्जी 3000 J इन 10 मिनट्स एट अ सर्टेन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। द रेडिएंट पावर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर इज 2500 W/m², या तो यह वैट हो सकता है, वैट पर मीटर स्क्वेयर। फाइंड द रेडिएंट पावर एंड एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद नाइन्थ नंबर वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम एट द विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम फॉर अ ब्लैक बॉडी हीटेड टू 3727 °C। 10th नंबर वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट एनर्जी रेडिएंट इन हाफ मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सर्फेस एरिया टू 100 cm³ व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट 127 °C। गिवन 6 = 5.7 × 10 W/m²। उसके बाद 11th नंबर वाला है, 60 W इलेक्ट्रिक बल्ब लॉसेस इट एनर्जी इंटायरली बाय रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ इट्स फिलामेंट इफ द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट इज 4 cm² एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिसिव इज 0.4। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। आगे बढ़ते गाइस, आगे का जो कि है, जो कि आई थिंक थर्ड ये लास्ट वाला इसका न्यूमेरिकल है, क्योंकि चैप्टर ही मैं बोलूँ आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन थ्योरेटिकली बहुत इजी है, जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा बहुत ही इजी है। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, जो भी मैंने आपको एमपी क्वेश्चंस पढ़ यहाँ पर इस वीडियो में दिखाए सभी मोस्ट एमपी है। पहले दो क्वेश्चंस को खत्म कर दूँ, बाद में मैं आपसे बातचीत ही करूँगा दो मिनट के लिए। ओके, 12th नंबर वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर सॉल्व प्रॉब्लम का, जो कि कंपेयर द रेट ऑफ इमिसिव ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 °C एंड एट 227 °C इफ द ब्लैक बॉडी इज सराउंडेड बाय अ इनक्लोजियर ब्लैक एट 27 °C। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ इट्स रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट इन द टू केसेस। उसके बाद लास्ट नंबर वाला ये क्वेश्चन है, जो कि सॉल्व प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स का है, अ स्मॉल ब्लैक नेकेड सॉलिड कॉपर स्पीयर ऑफ रेडियस 2.5 cm एंड एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.9 इज प्लेस्ड इन अ इवैल्यूएटेड चैम्बर। द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेंटेन्ड एट 20 °C। एट व्हाट रेट मस्ट एनर्जी बी सप्लाइड टू कॉपर स्पीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट 127 °C। ओके गाइस, यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो भी आपका थर्ड वाला चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन क्लास 12 फिजिक्स HSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का थर्ड वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, सभी एमपी क्वेश्चंस देखे हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी वीडियो को नहीं स्किप किया प्यारे से स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, उनको 12th में अच्छा खासा स्कोर करना होता है, कई सारे ने क्लास लगाए होते हैं, बहुत सारे क्लासेस वगैरह, बहुत सारे डोनेशन देके रखा होता है, बहुत सारी फीस उन्होंने पूरे साल में की होती है। यहाँ पर मैं सब कुछ आपको फ्री में ला रहा हूँ,
जैसे कि देखो बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस, कई सारे स्टूडेंट्स थे ना आईएमपी मतलब क्लास करके भी कुछ नहीं उखाड़ लेते, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, क्लास करके भी कुछ नहीं उखाड़ते, उनको कुछ समझ में नहीं आता, लास्ट में टीचर्स बताते ये क्वेश्चन आएगा, उखाड़ के लेके जाते हैं, मतलब उसकी कॉपी लेके जाते हैं एंड अच्छा स्कोर करते हैं। इससे अच्छा है कि यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, एक रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपको अगर मेरी रेगुलर जो भी हमने आईएमपी क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किया है, अगर रेगुलर ज़्यादा नहीं बोल रहा रेगुलर, अगर रेगुलर मतलब प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट रेगुलरली अगर आप रेगुलरली बिना स्किप किए एक दिन का भी बहाना ना दिए, अगर हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया जैसे कि फिजिक्स का हो गया, सभी क्वेश्चंस की सीरीज हर एक सब्जेक्ट के लिए आप साइमल्टेनियसली एक घंटा देते हो ना, मतलब हमारे चैनल से आप 3 घंटा स्टडी करते हो ना दिन का, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 12th के बोर्ड में आप स्कोर करोगे अबो 95 से ज़्यादा ईजिली स्कोर करोगे दिन में, सिर्फ 3 घंटे हमें स्टडी के लिए देना, हमारे चैनल की वीडियोस देखना, लाइक आपको मैं बताऊं तो ये मतलब 21 डेज का चैलेंज करना खुद से एंड दिन में 3 घंटे, 21 डेज ज़्यादा नहीं बोल रहा, 21 दिन का चैलेंज करना खुद से, उस जो भी लाइक आप आज से स्टार्ट करो तो एक कैलेंडर पे आप क्या करना, लिख के रखना कि इस दिन से स्टार्ट करो एंड अपनी कैपेबिलिटी, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेना जो आपको आ रहे हैं उसका आंसर आ रहा है या नहीं, ओके है कि नहीं। उसके बाद 21 दिन बाद हमारी मतलब उस दिन से ना साइमल्टेनियसली दिन का 3 घंटा हमारी वीडियो देखने के लिए देना, लेकिन वीडियो कौन सी देखना भाई, 12th से ही रिलेटेड देखना, इस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज से ही रिलेटेड देखना, मतलब दिन में आपको एक चैप्टर लेना है, कोई भी वीडियो देखो, यानी कि 15 चैप्टर है उसमें से हमारी कोई भी वीडियो देखो, लेकिन आपको जो पसंद है, जो भी चैप्टर आपका फेवरेट है, जो भी चैप्टर आपको लगता है वो वीडियो देखो हमारी एंड देखो, लेकिन मतलब देखो हर एक सब्जेक्ट को हमारी मोस्टली वीडियो होती है, एवरेजली अगर बताऊँ तो 1 घंटे के आसपास वीडियो होती है, कई वीडियो 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट में हमने किसी किसी आईएमपी क्वेश्चन को सीरीज को खत्म कर दिया किसी चैप्टर की, है कि नहीं। तो क्या करना, फिजिक्स का एक चैप्टर मतलब उसकी वीडियो देखना, उसको याद करना, रिमेंबर करना, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना, जो क्वेश्चन हमने दिए उसको सॉल्व करना, उसको पढ़ना, मतलब दिन के आपके सिर्फ 3 घंटे मांग रहे हो, एक साल तक करोगे या तो 1 महीने तक करोगे, 1.5 महीने तक करोगे, या तो जो भी आपका 12th है ना उसके पूरे साल भर में करोगे ना यार, अच्छा खासा स्कोर लाओगे एंड जर होके आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे सर आपकी वजह से इतना ज़्यादा स्कोर किया, यही हमारी आशा है, यही हम सारी आपसे उम्मीद है। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दिल से सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा एंड अगर पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो ये पीडीएफ 11 रुपये मिल रहा है सिर्फ चैप्टर का पूरा, अगर फिजिक्स का लेना चाहो 15 चैप्टर्स का जो भी 15 चैप्टर्स है तो 149 रुपीज़ में पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी आएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बता के रखिए, ये चैप्टर 3rd काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, आपको बहुत इजी जाए, बोर्ड एग्जाम में आप तोड़ फोड़ के रख दो, बहुत सी सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर बता दिए। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स मास्टर वैभव एंड टीम, पूरी टीम की तरफ से आप हमें थैंक्स बोलो या तो मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारी पूरी टीम को मैंने काम पर लगाया कि चलो हमें 12th के स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट लगाना है, 10th का क्या, 10th का हमारा एक्सपीरियंस है भाई, हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाले, अभी हमारी पारी है वो 12th के ऊपर फोकस करने की, 12th के स्टूडेंट्स को अच्छा स्कोर करवाने की, ठीक है। नहीं तो हम हमारा काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर दो, और आपका काम क्या है जो कि आपको दिख रहा है नीचे रेड कलर में, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम डालते रहे, मोटिवेट होते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको 8208818195062, व्हाट्सएप नंबर पे तभी कांटेक्ट करना अगर पीडीएफ को परचेस करना हो तो, फालतू के सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे बाप जी तो हो नहीं, है कि नहीं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है फालतू में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखो, बिना व्हाट्सएप में फालतू की बकवास करने की प्लीज यार कोई जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं गाइस प्यारे से आपके सपोर्ट की वजह से अगली वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।